बहुगुणा के एक साल के कार्यकाल पर बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना, मूलभूत सुविधाएं और अन्य मुद्दों पर उठाए सवाल। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने चार नामी कंपनियों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज, उपभोक्ताओं को भ्रमित करने का आरोप, जांच में फेल पाए गए कंपनियों के सैंपल। उत्तराखंड के तराई और बीज निगम घोटाले में केस दर्ज करने के आदेश, तत्कालीन निगम के अध्यक्ष पर हो सकती है कार्रवाई, पूर्व सीएम निशंक के कार्यकाल में हुआ था घोटाला। नोएडा स्टेडियम में मिली दिल्ली के इंजीनियर का शव, महिला बाथरूम के पाइप से रस्सी से लटकी मिली लाश, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और नोएडा में अपराधियों के हौसले बुलंद, आगरा से दिल्ली जा रहे व्यापारी से बदमाशों ने लूटे 125 करोड़ रुपए। एंटरटेनमेंट का झटका फ्लेवर लेकर आ गई हूं मैं, आपके दोस्त एंड होस्ट बी टाउन नितिशा बंसल। बी टाउन की लेटेस्ट न्यूज के साथ होगा एंटरटेनमेंट का जादू, पर्दे के पीछे होगी ढेर सारी मस्ती और इसके साथ ही खोलेंगे गॉसिप्स का पिटारा, प्यारी सी चिकनी चमेली। सो लेट्स स्टार्ट विद मी एंटरटेनमेंट का एक्साइटिंग सफर एंटरटेनमेंट प्लस। किस किस और किस, फिल्मों में किस एक स्टाइल, एक फंडा बन गया है। किस करो मिलेगा लाइमलाइट, किस करो तो होंगे हाईलाइट, किस करो तो मिलेगा बेनिफिट। भाई जो भी हो, माया नगरी में अजब गजब किसों की बौछार जोरों शोरों से होने लगी है। ऐसा लगता है मानो किसी की जंग है जबरदस्त। किसकी मोहतरमा मल्लिका तो किसके काम में पूरी तरह से एक्सपर्ट है। फिल्म ख्वाहिश में मल्लिका शेरावत और हिमांशु मलिक के 17 किस के बाद मल्लिका इरोटिक फिल्मों की क्वीन बन गई हैं। तभी तो फिल्म मर्डर में हॉट सीन विद किस का दिया झक्कास फ्लेवर, जिससे फिल्म को मिला ढेर सारा बेनिफिट और मल्लिका बन गई किस की मल्लिका। जहां एक तरफ मल्लिका किस की मल्लिका बनी तो वहीं इमरान मियां किस के बादशाह बने और बी टाउन में इमरान ने इतने किस दिए कि बस पूछो मत। इमरान के लिए तो फिल्में चलती हैं सिर्फ और सिर्फ किस किस और किस। और इमरान बन गए सीरियल किसर। ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के धूम-धूम में पैशनेट किस के कारण फिल्म को कॉन्ट्रोवर्सीज में लाए। हालांकि ऐश्वर्या इस किसिंग सीन में अनकंफर्टेबल थी और चाहती थी कि ये सीन स्किप कर दिया जाए। इससे पहले भी क्यों हो गया ना में ऐश्वर्या विवेक ओबेरॉय को किस करती नजर आई थी। खूबसूरती की मल्लिका ऐश ने भी दिए बी टाउन में फिल्मों में धांसू वाली किस। अजीमो शान शहनशाह ऋतिक रोशन अपने एक्टिंग और डांस के लिए ही फेमस माने जाते हैं, लेकिन ये महाशय भी अपने आप को हसीनाओं के सामने नहीं रोक पाए। चाहे वो बारबरा मौरी हो या हो कैट, सभी के साथ दी चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस। तो वहीं बॉलीवुड के शहनशाह भी किस करने से बाज नहीं आए, फिल्म ब्लैक में दिए किसिंग सीन। किंग खान ने तो ऑन स्क्रीन तो किस करने में बचते हैं, लेकिन जब उनके सामने आई क्यूट सी कैट और उनकी ही दुश्मन की एक्स गर्लफ्रेंड तो किंग मियां कहां चुप बैठते। उन्होंने भी ले ली कैट की चुम्मी और लिप लॉक ने तोड़ा बेचारे सलमान का दिल, क्योंकि आज तक उन्हें कैट की पप्पियां जो नहीं मिली। ये साली जिंदगी फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी में रही, क्योंकि इस फिल्म में अदिति राव और अरुणोदय सिंह ने अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 22 बार लिप लॉक किया था। विद्या बालन ने तो एक्टिंग में नंबर वन है, पर किस करने में भी नंबर वन है। तभी तो कभी अर्शद के साथ किस वाला इश्किया करती है, तो कभी इमरान को अपने किस से फना करती है।
चर्चा ये भी है कि वीना मलिक हॉलीवुड फिल्म द सिटी दैट नेवर स्लीप में आज तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ किस होंगे। हालांकि इस फिल्म के प्रमोशन के लिए वीना मलिक ने हाल ही में 137 किस का रिकॉर्ड तोड़ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। अब चर्चा है कि इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने आ रहे हैं नील नितिन मुकेश और सोनल चौहान की फिल्म 3G। ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म में 30 लिप लॉक किए गए हैं। वेल, इन लिप लॉक्स पर सेंसर बोर्ड की कैंची चलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। किसकी बात हो और लंबे किसकी बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आमिर तो कई हसीनाओं के साथ दे चुके हैं अपनी चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, चाहे वो जूही हो, चाहे वो करिश्मा हो, करीना हो, वगैरह वगैरह। हाल ही में खबर आई थी कि आमिर खान अनुष्का के साथ सबसे लंबे किसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। वैसे अनुष्का ने भी अपने किसका डंका बैंड बाजा बारात में भी बजा चुकी हैं। तो वहीं कपूर खानदान के लाडले भी कहां पीछे रहते, वो भी रॉक स्टार के अंदाज में नरगिस के साथ किया लिप लॉक। तो वहीं बर्फी इलियाना के साथ दी किसिंग सीन। तो वहीं जलाम ने प्रियंका को भी अनजाना अनजानी में किस करके दिखा दिया अपने किस का दम। फिर जो भी हो, किसिंग सीन का कोई जवाब नहीं। फिल्मों को मिलता है फ्री में प्रमोशन, टीआरपी और शायद स्टार्स को मजे। क्यों, जो भी हो, किस किस के खेल में कोई स्टार नहीं है पीछे। मुदिता त्रिपाठी, एंटरटेनमेंट डेस्क, समाचार प्लस। किस का गेम तो बड़ा सॉलिड है बॉस। किस ना हो किसी फिल्म में तो भला कौन पूछे। तभी तो फिल्म भले ही कितनी बिग बजट की मूवी हो, लेकिन उसमें रहता है किस का झक्कास फ्लेवर। लेकिन क्या आपको पता है कि ये किस का फॉर्मूला कहाँ और कब से शुरू हुआ? टेक अ लुक। जी हाँ, आजकल बॉलीवुड में विदाउट किस कुछ भी पॉसिबल नहीं। किस नहीं तो मसाला नहीं, किस नहीं तो फिल्म हिट नहीं, किस नहीं तो टीआरपी नहीं, किस नहीं तो कुछ भी नहीं। जी हाँ, आजकल कुछ ऐसा ही फंडा हो गया है, किस बिन सब सून। यूँ तो बड़ा पर्दा काफी बोल्ड हो गया है, तभी तो बॉलीवुड की फिल्मों में किस और लिप लॉक सीन की रहती है भरमार। लेकिन इनमें से कुछ किसिंग सीन कंट्रोवर्सी में रहते हैं, तो कुछ फिल्म को हिट कराने के लिए जबरदस्ती फिल्मों में किसिंग सीन को एंट्री कराई जाती है। बल्कि आप जानते हैं बॉलीवुड फिल्मों में किसिंग सीन की शुरुआत कब से हुई, कब से लिप लॉक के ट्रेंड ने जोर पकड़ा? जब हम हैं तो काहे का गम है बॉस। बॉलीवुड में सबसे लंबा किस कौन से फिल्म में हुआ, सबसे ज्यादा किस कौन से फिल्म में हुए और सबसे पहला किस कौन से फिल्म में हुआ? बॉलीवुड फिल्मों में सबसे पहला किस 1933 में रिलीज हुई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कर्मा में हुआ। रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ देविका रानी और हिमांशु राय ने इस फिल्म में लगभग 4 मिनट का किस किया था। बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस देविका ने ऑन स्क्रीन अपने पति और एक्टर हिमांशु रॉय को उस जमाने में किस करके फैला दी थी सनसनी। पहले जमाने में किसिंग सीन आते ही दो फूलों को मिलते हुए दिखाया जाता था, जिसे ऑडियंस समझ सके कि फूलों के पीछे किसिंग सीन चल रहा है। लेकिन अब तो फूलों का जमाना गया, अब तो खुल्लम खुल्ला किसिंग सीन की बहार आ गई है और टक्कर होने लगी है। किसकी जबरदस्त टक्कर, कि किसके किस में कितना दम। 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में शशि कपूर के साथ जीनत अमान ने किसिंग सीन दिए थे। इस सीन में तो जीनत की सेक्सी अदाएं ने तो लोगों को दीवाना ही बना दिया था, लेकिन शशि कपूर इनकी हॉट अदाओं के इतने कायल हो गए कि अपने आप को रोक नहीं पाए और कर लिया जीनत को लिप किस। अस्सीवें दशक के अंतिम दौर की फिल्मों की ओर झांके तो राम तेरी गंगा मैली हो गई में राजीव कपूर और मंदाकिनी बेझिझक एक दूसरे को किस करते नजर आए। तो वहीं 21वीं सदी में किस का फैशन सडनली लेकर आए डायरेक्टर महेश भट्ट। तभी तो महेश भट्ट की हर एक फिल्म में दिखता है किसिंग का धमाल। मुदिता त्रिपाठी, एंटरटेनमेंट डेस्क, समाचार प्लस।
बेबो के कई अवतारों से आप वाकिफ होंगे, लेकिन जनाब करीना अब एक ऐसे अवतार ले सकती हैं जिसमें उन्हें किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। कौन सा होगा ये नया अवतार? लेट्स हैव अ लुक। हलकट जवानी के फेविकॉल का जबरदस्त जोड़ ऐसा जिसका नहीं कोई तोड़। करीना के लटके झटकों के न जाने कितने ही कद्रदान हैं, जिन्हें बेबो की हॉट अदाएं दीवाना बना देती हैं। वाकई बेबो का जलवा दमदार है। बेबो बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई ले लो जी ले लो। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो। वहीं बॉलीवुड के सुपर हीरो क्रिश यानी ऋतिक रोशन के भी क्या कहने। हॉलीवुड स्टाइल, डैशिंग बॉडी और जबरदस्त डांस, सुपरस्टार होने का हर एटीट्यूड इस एक्टर में मौजूद है। पहली फिल्म से ही एक्टिंग का दम दिखाने वाले ऋतिक का क्या मुकाबला। पर ऋतिक ऐसे ही हैं, तभी तो जलवा बरकरार है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, करना है क्या मुझको, ये मैंने कब है जाना। लेकिन अगर आपको सुपर हीरो का हलकट जवानी के साथ फेविकॉल का जोड़ देखने को मिले तो भाई, करीना और ऋतिक रोशन की जोड़ी तो वैसे भी काफी हिट रही है। दोनों ने कई फिल्में साथ की हैं, जैसे कभी खुशी कभी गम, यादें, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। दोनों एक साथ स्क्रीन पर काफी धमाल मचा चुके हैं, लेकिन अब इन दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर फिर एक बार लेकर आ रहे हैं करण जौहर। बॉलीवुड स्ट्रीट में खबर है कि फेविकॉल गर्ल करीना कपूर करण जौहर की फिल्म शुद्धि में पार्वती का किरदार निभा सकती हैं, जिसके लिए करण जौहर करीना से बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि करण जौहर की आने वाली फिल्म शुद्धि में ऋतिक रोशन के साथ कैटरीना कैफ नजर आएंगी, लेकिन करण ने इस बात से इनकार कर दिया। वैसे अगर करीना ने हामी भर दी तो उनके फैंस के लिए एक अलग ही सरप्राइज होगा। जी हाँ, करीना का रोल काफी सरप्राइजिंग है। दरअसल करण की इस फिल्म में ऋतिक रोशन भगवान शिव का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में अगर बेबो फिल्म का हिस्सा बनती हैं, तो डेफिनेटली वो ऋतिक के ऑपोजिट पार्वती के किरदार में नजर आएंगी। वाकई करण क्या जोड़ी बनाई। करीना के फैंस के लिए हुआ ना ये बिग सरप्राइज। वैसे भाई करीना अगर अब हीरोइन और फेविकॉल के आइटम नंबर की इमेज से उबर कर पार्वती का रोल करती हैं, तो उनके फैंस को भी उनका एक और अवतार देखने को मिलेगा। हालांकि अब करीना पर पार्वती का रोल कितना फिट बैठेगा वो तो उन्हें देखने के बाद ही पता चलेगा। क्षितिज शाही के साथ मुदिता त्रिपाठी, एंटरटेनमेंट डेस्क, समाचार प्लस। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा एंटरटेनमेंट प्लस। रजनीकांता का कोई मुकाबला नहीं, इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीकंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीकंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आज ली क्या? चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। अच्छा।
सब अच्छे से होता है वहाँ। जांच, दवाई और खर्चा, बच्चे का जन्म और दो रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल और खर्चा। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है जच्चा।